हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू लिया था, उसे मैंने पील कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं कद्दू को काट रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कद्दू मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ और थोड़े से मेथी के दाने। साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। तो सौंफ, मेथी दाने और हींग को थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें कद्दू ऐड कर लेंगे। अब कद्दू, मेथी दाना और सौंफ को अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर करके रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। तो ये 4 से 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सब्जी को हम थोड़ा सा चला लेंगे, सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कद्दू को कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये थोड़ी देर बाद मैं ढक्कन हटा के देखूंगी कद्दू गल गया है कि नहीं। तो अभी थोड़ी सी इसमें कसर और है, तो अभी इसे हम 4-5 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। कद्दू को हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो ये कद्दू गल गया है, तो अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ी सी चीनी। तो ये 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी मैंने इसमें यहाँ ऐड कर दी है। चीनी और अमचूर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कद्दू में और ये हमारा चटपटा कद्दू बनके तैयार है। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ या पराठों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप सब भी ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।